हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिया कुछ की में मैं आपकी दोस्त प्रिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होगी। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये लव गेम है। लव गेम में सबसे पहले लव से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप सभी के सामने रखा जाता है। तो दोस्तों, ये रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन। जब वो अपनी आंखें बंद करते हैं तब वो किसे अपनी आंखों के सामने पाते हैं? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो क्वेश्चन कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। और यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी दोस्तों, क्या आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है? अगर आ गया है तो बढ़ते हैं आगे और इस गेम को करते हैं स्टार्ट। तो गेम स्टार्ट हो चुका है, चूजिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चूजिंग के लिए नंबर नहीं इमोजी दिए गए हैं। तो इमोजी लिस्ट आप लोगों के सामने आएगी, आपको उसमें से कि मतलब ध्यान से देखकर एक इमोजी चूज़ कर लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे चूज़ कर लीजिए अपना एक इमोजी ध्यान से देखकर। आई होप आपने अपना इमोजी चुन लिया होगा। चुन लिया है तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आंसर लोडिंग पर लग गया है। आंसर के ख़त्म होते ही मतलब लोडिंग के ख़त्म होते ही आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों आंसर देख लेते हैं। अगर आपने इस इमोजी को चूज़ किया तो सबसे पहले आपके लिए आंसर देखेंगे। आंसर ये रहा, अपने आज के प्यार को। मतलब जिससे वो आज प्यार करते हैं उसको अपने सामने पाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शेयर करना चाहें तो दोस्तों के साथ शेयर करें, हो सकता है इस क्वेश्चन की उन्हें भी ज़रूरत हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। दोस्तों, अगर आपने इस इमोजी को चूज़ किया है तो आपके लिए आंसर ये रहा, अपने क्लासमेट को। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले इमोजी की तरफ। तो जिसने भी चूज़ किया है इस इमोजी को उसके लिए अब आंसर देखेंगे। तो उसके लिए आंसर है, अपने पेरेंट्स की नाराज़गी को वो अपने सामने पाते हैं, क्योंकि इस समय उनके पेरेंट्स उनसे थोड़ा नाराज़ चल रहे हैं। चलिए दोस्तों इस इमोजी का आंसर देख लेते हैं। आंसर ये रहा, अपने लवर को। दोस्तों, आपका जो भी आंसर आए शेयर करना चाहना तो जरूर से शेयर करना एक प्यारा सा कमेंट करके। चलिए लास्ट वाली इमोजी का भी आंसर देख लेते हैं। तो जिसने भी इस इमोजी को चूज किया है उसके लिए आंसर है, सिर्फ और सिर्फ उससे जिससे वो अपने मन की बात बोल नहीं पा रहे हैं, यानी आपसे। तो क्या वो आपसे अपने मन की बात बोल नहीं पा रहे हैं? ये ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।